हर्षवर्धन जी, अभी एक रिपोर्ट हमने चलाई थी अपने संवाददाता की, आपने देखा हो तो उसमें कुछ सरकारी पद पर बैठे हुए लोग भी हैं जो कोविड का, उनकी गाइडलाइन का, प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रहे हैं। मास्क एक ऐसी वस्तु है जो कोई महंगी नहीं है, जिसके लिए हमें कुछ सोचने समझने की जरूरत नहीं है, कोई कड़ी मशक्कत हमें उसके लिए नहीं करनी है। वो लोग मास्क तक नहीं लगा रहे थे, तो आम लोगों को हम क्या समझाएं अब? दिलीप जी, कोरोना का प्रकोप हम लोग पिछले 2.5-3 साल से देख रहे हैं, इसलिए डरना जरूरी है, लेकिन इतना डरना भी जरूरी नहीं है कि हम मौत से पहले मर जाएं। ये आध्यात्मिक बात कही जाती है कि लाभ हानि जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ, जो ईश्वर के हाथ में है वो सारी चीजें ईश्वर के हाथ में है, लेकिन जो प्राकृतिक चीजें हैं, जो हमारा शरीर है, ये प्रकृति के पंच तत्वों से मिलकर के बना है, और ये तत्व अगर शुद्ध रहेंगे, प्राकृतिक रूप से शुद्ध रहेंगे, तो हमारा शरीर भी शुद्ध रहेगा और हमारा दिमाग भी शुद्ध रहेगा। और शरीर की बीमारी सेकेंडरी होती है, दिमाग की बीमारी पहले होती है। हम परसेप्शन ले लेते हैं कि हम बीमार हो गए हैं, हम थक गए हैं, हम हार गए हैं, हम नहीं लड़ पाएंगे, हम नहीं कर पाएंगे। ये परसेप्शन जब आदमी के दिमाग में बैठ जाता है तो मेंटली रूप से सिक हो जाता है, और कोरोना जैसी चीजों के सामने हमको मेंटली रूप से सिक नहीं होना है। ये डॉक्टर्स की रिपोर्ट भी कहते हैं, जो मेडिकल प्रोफेशनल्स बैठे हैं वो भी इस बात को मानते हैं कि अगर आप दिमाग से स्ट्रांग हैं तो आपका शरीर बीमारी से लड़ने के लिए ज्यादा ताकतवर हो जाता है, और पॉजिटिविटी और जो पॉजिटिव चीजें होती है वो शरीर में अपने आप जनरेट होनी शुरू हो जाती है। और ये सत्य है कि जो दवाई है वो सपोर्ट सिस्टम का काम करता है, एक्चुअल में आपके शरीर को, आपकी बीमारी को आपका शरीर ही ठीक करता है और शरीर को शक्ति मन देता है। तो ये जो सिचुएशन फिर से आ रही है इस नए वेरिएंट को लेकर के, इससे डरने की बजाय अभी हमारे पास बहुत समय है। ये बहुत प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर वाली जो कहावत है वो आज की डेट में बिल्कुल चरितार्थ हो रही है, क्योंकि इस समय हमको प्रिकॉशन लेने की जरूरत है। क्योर की तो नौबत ही नहीं आई है अभी, और नौबत आएगी भी नहीं अगर हम प्रिकॉशन लेना शुरू कर देंगे।